हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ बबिनो पब्लिक स्कूल बिलड़ा। प्रीवियस वीडियो में हमने कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर हमने कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, फैट एंड मिनरल्स के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हमारा जो न्यू टॉपिक है वो है बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट बेसिकली होता क्या है, जो हम पूरे दिन के दौरान खाने के थ्रू जो भी हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, फैट, विटामिन, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, प्रॉपर वे में उनको हम ले रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, एक बैलेंस डाइट बोलेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं। बैलेंस डाइट बेसिकली होता क्या है, द फूड डैट वी ईट ड्यूरिंग द होल डे इज कॉल्ड डाइट। डाइट क्या होता है, जो खाना हम पूरे दिन के दौरान जो हम खाना खाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डाइट। और डाइट कंसिस्ट ऑफ मैनी फूड आइटम। ओके, हमारे डाइट के अंदर जो है बहुत सारे फूड आइटम होते हैं। कौन कौन से होते हैं, लाइक सीरियल्स यानी अनाज के अंदर जो है गेहूँ एंड राइस, दालें हो गई, फ्रूट हो गई, वेजिटेबल सब्जियां हो गई, एग्स, मिल्क, फीट, फिश, ये जो सारे जो है कम खाने के अंदर हम लेते हैं। नेक्स्ट, एक्चुअल में बैलेंस डाइट होता क्या है, द डाइट डेट कंटेन प्रॉपर अमाउंट ऑफ असेंटल न्यूट्रिएंट्स। ओके, जिस खाने के अंदर प्रॉपर अमाउंट ऑफ असेंटल न्यूट्रिएंट्स, जो आवश्यक जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो जरूरी पोषक तत्व होते हैं जिस खाने के अंदर, जैसे और रफेज आइटम, मतलब जो न पचने वाला खाना है, जो भोजन को जो है बल्कि बनाता है, खाने को भारी, जो हम हैवी फील कराता है भोजन को, एंड वाटर, जो खाने के अंदर जो वाटर होता है, तो ये सारी चीज़ें जो है एक बॉडी के लिए प्रॉपर ग्रोथ के लिए काम आती है और बॉडी को जो है प्रॉपर डेवलप करती है, उस खाने को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस डाइट बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए, द कंपोजिशन ऑफ ए बैलेंस डाइट डिपेंड ऑन द सेक्स, एज ऑफ पर्सन, ऑक्यूपेशन, टाइप ऑफ वर्क्स डन एंड स्पेशल नीड लाइक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओके, कंपोजिशन ऑफ बैलेंस डाइट, जो बैलेंस डाइट के अंदर जो कंपोजिशन होता है कि कितनी मात्रा में हमें फैट लेना है, कितनी मात्रा में हमें विटामिन लेना है, कितनी मात्रा में हमें प्रोटीन लेना है, ये किस पे डिपेंड करता है, सेक्स एंड एज ऑफ द पर्सन। ओके, कौन सा आदमी उस खाने को खा रहा है या महिला उस खाने को खा रही है, वो आदमी पर्टिकुलर आदमी कैसा वर्क कर रहा है, टाइप्स ऑफ वर्क। ओके, उसका बेसिक वो किस टाइप का वर्क कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है या भी लाइट वर्क कर रहा है, उस हिसाब से उसको डाइट की जरूरत होती है। एंड स्पेशल नीड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओके, प्रेग्नेंट वुमेन को जो है किस टाइप का खाना लेना है, हाई प्रोटीन वाला लेना है या हाई कार्बोहाइड्रेट वाला लेना है, तो ये उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा जो है, कौन सा ह्यूमन जो है उस भोजन को जो है इनटेक कर रहा है। ओके, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। अ ग्रोथ चाइल्ड नीड मोर प्रोटीन देन अ ग्रोन अप मैन। ओके, जो बच्चा जो बड़ा हो रहा है उसको जो ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है एज कम्पेयर टू जो आदमी, एज कम्पेयर टू ग्रोन अप मैन, जो आदमी ऑलरेडी ग्रो कर चुका है, उसके कंपेयर में बच्चे को जो है ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है और बच्चा जो है माँ के दूध के थ्रू जो है प्रोटीन को इनटेक करता है। अ प्रेग्नेंट वुमेन नीड मोर प्रोटीन इन हर डाइट फॉर बिल्डिंग द बॉडी ऑफ द डेवलपिंग बेबी। ओके, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसको ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसके अंदर जो बच्चा जो होता है बिल्डअप हो रहा है, बच्चे का निर्माण हो रहा है, उसको जो है मोर प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इससे प्रेग्नेंट वुमेन होती है जिस उसके दौरान जो है कैल्शियम एंड विटामिन्स जो है ज़्यादा मात्रा में इनटेक करती है, जिससे क्या हो सकता है, मिल्क को प्रोड्यूस किया जा सके बेबी के लिए। इसलिए जो डॉक्टर जो है प्रेग्नेंट वुमेन को कैल्शियम, विटामिन, आयरन की गोली जो है, या फिर खाने के थ्रू कैल्शियम, विटामिन, आयरन जो है इनको ज़्यादा लेने के लिए सलाह देता है। नेक्स्ट देखिए, लेबरर, एथलीट एंड रिक्शा पुलर। जो लेबरर होते हैं, जो मजदूर होते हैं, एथलीट होते हैं, और जो रिक्शा को धक्का लगाते हैं, जो मतलब जो ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, उनको मोर कार्बोहाइड्रेट मीन्स ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाले खाने की ज़रूरत होती है। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला खाना कौन कौन सा है, आलू, केला, वीट, राइस एंड शुगर कैन, ये हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट किन किन में होता है। तो ये जो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाले खाने की, ज़्यादा रोटी में भी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, तो ये जो है जो ज़्यादा हार्ड फिजिकल वर्क करते हैं उनको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाले खाने की ज़रूरत होती है। तो बेसिकली डाइट इस टॉपिक में हमने क्या सीखा है, कौन पर्टिकुलर वुमेन को जो है अलग अलग टाइप की डाइट की ज़रूरत होती है। जो हार्ड वर्क करता है उन्हें ज़्यादा प्रोटीन एंड ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाले खाने की ज़रूरत होती है, जो लाइट वर्क करता है उसकी डाइट अलग होती है। एक दिन में बेसिकली मैन को कितनी कैलोरी लेनी है वो उसके वर्क पर डिपेंड करता है, सेक्स पर डिपेंड करता है, एंड अगर प्रेग्नेंट वुमेन ले रही है तो उस पर डिपेंड करता है। ये जो डाइट होती है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, लॉस्ट ऑफ
न्यूट्रिएंट्स ड्यूरिंग कुकिंग। ओके, जो हम खाना पका रहे हैं उसके दौरान जो है कुछ न्यूट्रिएंट्स का लॉस हो जाता है, वो किस तरह से होता है, कौन कौन से कॉजेज होते हैं वो हम पढ़ते हैं। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज नॉट इनफ, द फूड शुड ऑल्सो बी कुक प्रॉपरली सो डैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। ओके, जो अच्छे टाइप का खाना खाना ही जरूरी नहीं है, उसको अच्छे तरह से पकाना भी जरूरी है ताकि उसमें से जो है न्यूट्रिएंट्स लॉस ना हो जाए, जो पोषक तत्व है वो खो ना जाए। फिर कॉजेज क्या क्या इसके देखिए, इफ कुकिंग इज डन इन एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, द वाटर इज थ्रोन अवे आफ्टर कुकिंग, मैनी वाटर सोल्यूबल विटामिन एंड मिनरल्स आर लॉस्ट। ओके, जो हम खाने के अंदर ज़्यादा मात्रा में पानी मिला देते हैं और फिर खाने को पकाते हैं, फिर हम जो है पानी को हम फेंक दे रहे हैं, तो फिर जो सोल्यूबल विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं जो पानी के अंदर ऑलरेडी घुल चुके हैं, तो उससे जो क्या होता है उसको हम अगर फेंक देते हैं तो फिर जो खाने के अंदर जो है मिनरल्स जो सारे लॉस्ट हो जाएंगे, जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उनकी कमी आ जाएगी। नेक्स्ट क्या क्या रीजन हो सकता है इसका, इफ कुकिंग इज डन एट हाई टेम्परेचर मैनी प्रोटीन एंड विटामिन लाइक विटामिन सी आर डिस्ट्रॉयड। ओके, अगर हम खाने को हाई फ्लेम पे पका रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे पका रहे हैं, तो उसके अंदर जो प्रोटीन और विटामिन्स होते हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट देखिए, मोस्टली थिक पील्स आर रिमूव फ्रॉम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, द रिजल्ट इन द लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। पील्स यानी जो हम खाने की छाल होती है, जैसे कि आलू को हमने छील दिया या कोई भी हम खा रहे हैं, जैसे कि सेव खा रहे हैं, सेव के छिलकों को हमने छील दिया, तो इससे जो छिलकों में भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अगर हम छिलकों को फेंक देते फिर उसको खाते हैं तो जिससे हमें कम न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो हमें छिलकों को भी फेंकना नहीं, छिलकों के अंदर भी जो है हायर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। फोर्थ देखिए, वॉशिंग ऑफ सन सम पील्ड एंड कट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट कॉज ए लॉस ऑफ वाटर सोल्यूबल विटामिन। वही जो सेम थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा है, वही अगर हम वॉश कर देते हैं पील को, मतलब अगर हम खाने को पील करके उसको वॉश कर लेते हैं तो भी उसमें से जो है कुछ वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो उनका भी लॉस हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट देखिए, रिपीटेड वॉशिंग ऑफ दाल एंड राइस आल्सो कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ वाटर सोल्यूबल विटामिन एंड मिनरल्स। ओके, रिपीटेड वॉशिंग मीन्स अगर हम दाल बना रहे हैं या फिर चावल बना रहे हैं, उनको हम बार बार धो रहे हैं, बार बार जैसे कि 5 टाइम 6 टाइम हमने उसको धो दिया है, तो उससे क्या होता है जो वाटर के अंदर जो उनके जो विटामिन होते हैं मिनरल्स होते हैं वो सॉल्यूबल हो जाते हैं और फिर हम वाटर को हमें फेंकना पड़ता है। सो उसके दौरान क्या होता है जो दाल के अंदर और राइस के अंदर जो है न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनकी कमी आ जाती है। राइस के अंदर बेसिकली होता क्या है, कार्बोहाइड्रेट, एंड दाल के अंदर हमने क्या पढ़ा था, प्रोटीन। दाल जो है प्रोटीन का हाई सोर्स है, जैसे सोयाबीन दाल हो गया, तुअर दाल हो गया, उड़द दाल हो गया, इनके अंदर जो है हायर क्वांटिटी में प्रोटीन होता है। अगर इनको हम बार बार हम रिपीट करें, वॉश को रिपीट करें, बार बार इनको धो रहे हैं, तो इसके अंदर जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका लॉस हो जाता है। ओके, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डिफिशियंसी डिजीज। थैंक यू।